हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल गेम में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाते हैं मसाला तुरई। तो आइए देखते हैं मसाला तुरई कैसे बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए ये पतली इस तरह की तुरई, एकदम ये ताजी और पतली तुरई है। तो इसको हम इस तरह से लेंगे और तुरई को मैंने धो कर के रखा है और इसको हम इस तरह से खोल चलेंगे। इसका हमको मोटा छिकल नहीं उतारना है, इस तरह से महीन हम खोज कर सारी तुरई को रख लेंगे। ये तुरई का मैंने पतला छिकल उतार लिया है, अब हम इसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। तुरई को इस तरह से बीच से हम नीचे से जुड़ा रहने देंगे और बीच से पूरा काट लेंगे। हमको सारी तुरई को इसी तरह से बीच से काट लेना है और इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। ये तुरई मैंने इस तरह से बीच से काट करके रख ली है, सारी तुरई को इस तरह से काट लिया गया है और अब हम इसके लिए मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए सूखा धनिया, ये मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है। सौंफ थोड़ी ज्यादा मात्रा में डाली जाती है, इसलिए इसको डेढ़ बड़ा चम्मच लिया। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने डेढ़ छोटा चम्मच मिर्च लिया है। एक चम्मच हल्दी हम इसमें डालेंगे, पिसी खटाई, पिसी खटाई भी थोड़ी ज्यादा मात्रा में ही डाली जाती है। स्वाद अनुसार नमक या जितनी भी तुरई की मात्रा हो उसके अनुसार ही हम नमक डालेंगे। अब इस सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला तुरई बहुत स्वादिष्ट बनती है। जो लोग तुरई नहीं खाना पसंद करते हैं वो भी मसाला तुरई से चार रोटी खा सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मसाले को हम मिलाएंगे। मसाले को सरसों के तेल से भी मिलाया जा सकता है अगर आप कहीं सफर पे इस तुरई को ले जाना चाहते हैं। इसमें हम जरा सा गुड़ भी डालेंगे। खटाई और गुड़ का बहुत अच्छा टेस्ट तुरई में आता है। अगर आप बिल्कुल भी मीठा ना खाते हो तो आप ना डालें। डाल दिया जाए अगर तो इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। अब इस मसाले को हम तुरई में भरेंगे। तुरई को इस तरह से हम और थोड़ा सा मसाला लेकर इसमें भरेंगे। पूरी तुरई में अंदर तक मसाला हम भरेंगे। इस तरह से मसाला हमको भरना। अब ये सारी तुरई हमारी मसाला भरकर तैयार हो गई है। मसाला तुरई के लिए इस तरह से हर तुरई में मसाला भर लिया गया है। अब मैंने ये कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। अब हम इसमें तेल, रिफाइंड या घी, जो भी आप खाते हो उसको डालेंगे। अब तेल डाल दिया है मैंने। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें हींग डालेंगे। Thank you.
अब हींग हमारी अच्छी तरह घुल गई है, इसमें अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो अब हम ये तुरई इसमें डाल देंगे। सारी तुरई को इसी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। तुरई को हम अलग अलग डालेंगे, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। इस तरह से कढ़ाई में या किसी भी पैन में हम सभी तुरई को फैला देंगे और अब इसको हम थोड़ी देर खुले आंच में ही पकाएंगे, इसको ढकना भी नहीं। अब मसाला तुरई हमारी गलने लगी है, इसको अब हम हल्के से पलट देंगे। सब्जी को अधिक देर तक ढककर नहीं पकाना चाहिए, उसका ओरिजिनल कलर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी तुरई गल गई है या नहीं। अभी कुछ कसर इसमें बाकी है, तो कुछ देर अभी हम इसे 3 मिनट करीब और पकने देंगे। ये हमारी मसाला तुरई अब बन गई है, परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब मसाला तुरई बनकर तैयार है, आप भी इसको ट्राई करिए, बनाइए और आपके घर में जो लोग भी तुरई नहीं पसंद करते हैं उनको इस तरह से बनाकर खिलाइए, तो आदमी 2 की जगह 4 रोटी जरूर खाएगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।